गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज़ माही। कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब बहुत शौक है। मैं अभी मार्केट जा रही हूँ और यहाँ पे सोसाइटी में ना क्या है, भंडारा होने वाला है रात को, क्योंकि आज क्या है, गोधन गोधन रखा जाएगा हमारा सब मिल बांट के सोसाइटी में, और ये बहुत ही अच्छी बात है। और अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे भागवत हुई थी, वो भी मिल बांट के ही हुई थी, सब लोगों ने इकट्ठा करके जो है पैसा देन वो करवाई थी। अगेन फिर से वही चीज़ होने वाली है, गोधन भी सब लोग मिल के रखने वाले हैं, और अभी बहुत सारे प्लान्स बन रहे होंगे। बच्चे रेडी आना, उन्हें रेडी करके मिला के नीचे छोड़ के आ गई हो, और हम लोग जा रहे हैं मेरा कोरियर ढूंढने, क्योंकि मेरा जो कोरियर है ना वो अभी आया नहीं है और वो कहीं ना कहीं मिस हो गया है। तो मैं बता रही थी आपको कि गोधन जो है वो मैं पार्क में रखा जाएगा, सोसाइटी का जो पार्क है, और वहीं भंडारा खाना सब कुछ वहीं हो रहा है, तो सब लोगों ने मिल मिल कर पैसे दिए हैं और आगे भी कुछ प्लान्स हैं। तो मैं भी काफ़ी टाइम से मम्मी के घर पे रह रही हूँ और हम लोग यहीं पे रह रहे हैं, तो मेरा बहुत अच्छा मन लग जाता है यहाँ पे, क्योंकि फ्लैट पे तो ऑब्वियस ही बात है मैं अकेली होती हूँ तो उतना मन नहीं लगता है मेरा। और अभी मैं जा रही हूँ, मैं शाम को कन्फ्यूज हूँ मैं क्या पहनूँ, अगर मेरा कोरियर मुझे अभी मिल गया तो मैं वही ड्रेस पहनने वाली हूँ। आई नो मैंने कितने की ड्रेस ली है, मैंने वो ड्रेस खरीदी है 16,000 रुपये में। अभी आप देख रहे हैं वो कैसी दिखती है, जी कल हमने सीखी थी गाड़ी। हाथ में पकड़ा के दिखा के धरी है मैंने, तो मैं अपना सिस्टम देख रहा तुम अपना। तो तुम सुनील भैया घर पे भी ऐसे खाना बनाते हो? कौन आप? मैं नहीं। और घर पे कौन बनाता है? घर पे मेरी मैडम बनाती है। एक चक्कू देखो मुझे आलू वाले, एक दो फिलहाल ये आलू छील ले बेकार। तो गाइस हमारे सोसाइटी में अन्नकूट बनता हुआ यहाँ पे रखा जाएगा अभी गोधन, और ये पूरी सोसाइटी के लिए भंडारा होगा। हम रात को यहीं पे खाना खाएंगे, सब लोग तैयार हो के आ रहे हैं, बच्चे भी तैयार हो के आ रहे हैं, और मैं अभी जा रही हूँ मार्केट, उसके बाद मैं जाऊँगी शॉपिंग करने। नमस्ते। क्या कितने फोन चला लो, पेट ना भरे। ऐसे मत, पहले एक फूल पकड़ो ना, अलग अलग फूल इनके बीच में गेंदा लगाएंगे बाबा। ये फूल लगाओ यहाँ कान पे, लगा दो पहले सदाबहार के लगाएंगे, बड़े अच्छे लगे। लो वो उस पर उगा दो पहाड़ पे। अरे केला ले लिया फूल से, फिर बेटा जाओ आंटी के पेड़ पे से फूल ले आओ, व्हाइट वाले तो। नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने। लास्ट का ब्लॉग मैं इसलिए नहीं कर पाई थी क्योंकि फिर मुझे ना दिल्ली जाना पड़ गया था किसी इवेंट की वजह से, तो मैं यहाँ थी नहीं इसलिए मैं ब्लॉग नहीं कर पाई, और इवेंट में अटेंड करना बहुत ज़रूरी था, तो अभी हम लोग जा रहे हैं मूवी। गाइस आज हमारा पूरा खानदान मूवी देखने आया है, आहाना बोल रही, और मैं आज ये वाला पर्स कैरी कर रही हूँ जो कि आहाना का होना चाहिए, बट ये मेरा है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में ये ही ट्रेन चल रहा है, और ये आपको बताऊँ मैंने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, ये नहीं बोला मैं, मतलब मेरे लिए तो नॉर्मल है, मैं तो वैसे पहनती हूँ, लेकिन यहाँ पर पब्लिक मुझे देखे जा रही है, पता नहीं क्या ही ड्रेस पहन लिया, और यू नो मैं तो डिज़ाइन आउटफिट पहनती हूँ। ज़रूरी महंगे हो, महंगे भी होते हैं, 10-15-20 हज़ार तक तो नॉर्मल होते हैं। मैं ड्रेस दिखा दो, लंच होगा ना, खूब खुश के खा लिया ना, पैसा बहुत है, पैसा बहुत है ना तेरे पास, तू बिल ले तो ले ही ले, काम बता रहा है। अरे पता खूब खाऊं कहां ना, हटो लंच हो गया ना, खा ले तू। अभी सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जब तक बीमार हूँ, ओके? I'll see you in a bit. Thank you.
बहुत ही खतरनाक है, डर जाइए। ओह माय गॉड भाई साहब, हिम्मत करी आने पहली बार। अजय हट जा, हट आ जा। ओह माय गॉड, अरे डर तो नहीं लगा? डर तो नहीं लगा भाई? सिया को डर निकल जाएगा, हमें बैठना ही है पहले। ओए ओए वाह भाई वाह, क्या बात है बूढ़ी, आ जा कहीं अभी ऐसा ना हो मुंह बोल लगे जमीन में। अरे ना काल दीदी आ गया आ गया हैं। सो हाय गाइस, घर आ गई हूँ। सर में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही, मतलब मॉल पे भी नहीं बनाया मैंने, फ़ोटोज़ भी नहीं ली, रील्स भी नहीं बनाई, ब्लॉग भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं करा। मैं थक गई, और इन दिनों ना कुछ ऐसा ही हो रहा है, कुछ तो रील बनाने का दिल नहीं है, वीडियो बनाने का दिल नहीं है। एक तो पहले से लोगों ने इतना परेशान कर रखा था, मैं जब भी ब्लॉग डालती थी उनको कुछ ना कुछ मिल जाता था और वो उसको यूज़ करते थे, फिर मेरी लाइफ झंड करने में उनको हेल्प मिलती थी, फिर यहाँ पे फ़ोन करते थे, वहाँ पे फ़ोन करते थे। तो भाई मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी कुछ लोगों ने, ठीक है, मेरे ब्लॉग्स देख देख के। तो इसलिए मेरा दिल नहीं करता ब्लॉग करने का, और मैं तभी करूँगी जब उनका सब ख़त्म हो जाएगा। एंड देन अभी मैं सोने जा रही हूँ, घर पे खाना खा लिया है, खाना खा के सब लोग रेस्ट कर रहे हैं, पर मेरी तबीयत ख़राब है पता नहीं क्यों। तो अभी के लिए ब्लॉग में यहीं पे ख़त्म करूँगी, सॉरी ऐसा सैड सा आपको एंड देखने को मिल रहा है। और प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे इंस्टा पे जाए, एक्टिव रहे, क्योंकि इंस्टा पे मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ सारी चीज़ों को लेके। अगर आपको मेरी देखनी है एक्टिविटीज़ जो मेरे काम से रिलेटेड है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि पर्सनल लाइफ में बहुत कम शेयर करती हूँ, लाइक 1% ओनली जो भी होता है वो सिर्फ काम का होता है। तो चलिए बाय, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में।